सर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया सर। यस सर। ये आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, चलते हैं। स्क्रीन ठीक है सर। चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नहीं रुकूंगा। सर अभी ये वाला जो एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है ये नॉट एज पर शेड्यूल तो नहीं है। एक्स्ट्रा शेड्यूल में ऐड हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बातचीत चल रहा है सर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस। याद है ना लास्ट वीक का क्लास? नहीं याद है? नहीं किया था? ऑनलाइन ऑनलाइन किया था? किया था ना। ऑनलाइन करने से क्या क्लास नहीं करते हो? हाँ क्लास चालू करके सो जाते हो मेरे को दिखाने के लिए। अच्छा तो पब्लिक फाइनेंस पे जो बात हुआ था वो बेसिकली लास्ट वीक मैंने आप लोगों को समझाया था कि सर गवर्नमेंट बजट दिखाया था, याद है? गवर्नमेंट बजट के थ्रू से आप लोगों को ये बताया था कि गवर्नमेंट कहाँ से इनकम करता है। तो ये जो पब्लिक वर्ड है ये वर्ड किसके लिए लागू होता है? दिस वर्ड इज फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो सर हम लोग बोलते हैं ना गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का जो काम है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, और जब पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं होता है तो फिर हम लोग बात करते हैं कि भाई ये सरकार अच्छा है, ये सरकार अच्छा। ठीक है, अब मानो 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें मानो 50 करोड़ को लग रहा है गवर्नमेंट सही नहीं है। ठीक है, कितना वोटर है इस बार? 97 करोड़। ठीक है, इस बार इंडिया में 97 करोड़ का वोटर है, ऐसा रूपंकर ने मेरे को रिसर्च करके बताया। मैंने इसका खोज भी नहीं किया, जो भी हो चलो मान लेते हैं रूपंकर का रिसर्च सही है, कोई न्यूज़ चैनल से ही लिया होगा। 97 करोड़ का वोटर अगर है तो 97 करोड़ से मगर 50 करोड़ को लग रहा है कि करेंट गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया है पब्लिक वेलफेयर के लिए, और 47 करोड़ को लग रहा है कि ना। ठीक है, 50 करोड़ यस, 47 करोड़ नो। तो ऐसे सिचुएशंस में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक्चुअली पब्लिक फाइनेंस का ही बात करते हैं। ठीक है, कि सरकार पब्लिक के लिए कितना पैसा जुगाड़ किया और उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहाँ किया। ठीक है, तो ये सरकार का जो जुगाड़ू जगह है ना वही है पब्लिक फाइनेंस, और ये इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है जो अल्टीमेटली ठीक है पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट हम सब के लिए बना के रखा है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट दिन मैंने आप लोगों को समझा रहा था पब्लिक फाइनेंस में सर फिस्कल फंक्शन एंड ओवरव्यू, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, एलोकेशन ऑफ फंक्शंस, रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड स्टेबिलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, इसमें लास्ट वीक में आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तब सिर्फ इंट्रो ही नहीं दिया था, साथ में ये भी दिया था कि गवर्नमेंट का बजट का एरिया दिखाया था कि सरकार कहाँ से इनकम करता है ना। दिखाओ सर एक बार फिर से। चलो रोज रोज और कितना फैक्ट्स देखोगे, पढ़ाई करते हैं। हाँ मेरे को भेज दिया। न्यू अच्छा भेज दिया मेरे को 98.6 करोड़। अच्छा 96.8। देखिए नहीं तेरा बातों पे मैं डिसबिलीव नहीं किया, बिलीव किया मैंने। मैं बोला मैंने पुष्टिकरण नहीं किया, रुपोंकर का डेटा से मैं बोल रहा हूँ। तेरा कोई क्रेडिट दिया रे? अपने आप को कहाँ क्रेडिट दिया? ठीक है अच्छा, द गवर्नमेंट ऑफ ऑल नेशंस हैव इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शंस एंड वेयर मार्केट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक रिसोर्स एलोकेशन मैकेनिज्म। मैंने बेसिकली ये जो पब्लिक के लिए पैसा बनाया जाता है ना, कहाँ कहाँ से सरकार पैसा जुगाड़ करते हैं। हाँ बोलो सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है, आप लोग इतना देर से काहे नहीं बोल रहे?
ये सब डेटा एवरीवेयर कंट्री के वेबसाइट में, बजट के वेबसाइट में अपडेट होता है। आप यहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हो गवर्नमेंट का बजट डिविजन्स में जाके, गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है और कहाँ डिफिसिट है कि सरप्लस है। तो ऐसे देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी जो है ना सर, इंडियन इकोनॉमी जो है वो नॉर्मली अभी तक डिफिसिट सिचुएशंस में ही जा रहा है। इस सिचुएशंस को बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट माने, फिस्कल वर्ड का मतलब होता है फाइनेंशियल, ठीक है। फिस्कल वर्ड लैटिन वर्ड से आया है फिस्कल, ये एक्चुअली फाइनेंशियल डिफिसिट क्यों ही बोलते हैं। हाँ मतलब, तो पैसा का घाटती, ठीक है। तो इसलिए हमारे घर पर नॉर्मल आदमी के घर में भी पैसा का प्रॉब्लम है। जब देश प्रॉब्लम में है तो देश का जनता भी प्रॉब्लम में होगा। लेकिन सर नहीं, अंबानी के पास तो प्रॉब्लम नहीं है, अदानी के पास तो प्रॉब्लम नहीं है। सर एक अदानी अंबानी से देश थोड़ी है, ठीक है सर। तो फिर क्या करना चाहिए सर? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। एंड ये एलोकेशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन मैं आप लोगों को रोज बोलता हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आपको रियल वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोगों को बस नोटे बांट दो, नोट बांटने से नहीं होता, ठीक है। और हाँ, करप्शन फ्री भी होना चाहिए। करप्शन करके काफी सारा लोगों के पास काफी पैसे निकलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना। मेहनत से कमाओ ना, क्या दिक्कत है। तुम प्रोडक्ट बनाओ, तुम्हारा प्रोडक्ट पब्लिक खरीदेगा, ठीक है। तुम बिजनेस करो, पब्लिक खरीदेगा। उसको बोलते हैं स्किल, ठीक है। लेकिन पब्लिक का पैसे के ऊपर बैठ के है ना नागिन डांस करना, वो तो कोई मतलब नहीं है, जो कोरप्टेड पॉलिटिशियंस लोग करते हैं। हाँ इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। किसी के घर से 18,000 करोड़ मिल रहा है, किसी के घर से 500 करोड़ मिल रहा है, किसी के घर से 20,000 करोड़ का पूरा पैसा का गड्ढे मिल रहा है। इट्स अ वेरी बैड थिंग। अंबानी तो फिर भी कुछ बेच के आपसे पैसा लेता है। उसके लिए वो पहले 200 करोड़ खर्चा करता है, 1 लाख करोड़ खर्चा करता है, 500 करोड़ खर्चा करता है, बदले में 600 करोड़ कमाने का कोशिश करता है। चैलेंजिंग है सिचुएशंस। वो तो मेहनत से प्रोडक्ट बेच रहा है, आपको कुछ दे रहा है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अंबानी का जियो यूज कर रहे हैं, उसके लिए जियो का लाइन बिछाया। आप लोग घर पे एंटरटेन कर पा रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो, वो एक सर्विस दे रहे हैं आपको, आपको दुनिया से कनेक्ट किया। आज अगर जियो का सर्विस खराब होगा, इंटरनेट का सिचुएशन सोचो क्या होगा, है ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, सोचो कि अगर आज अगर जियो का ये सर्विस सिस्टम नहीं होता। अच्छा, इससे पहले तो ये नेटवर्किंग सर्विस, जिसको हम लोग 4G 5G इस तरह का बोलते हैं, इससे पहले भी गवर्नमेंट के पास तो ये इसका राइट है। ये राइट अंबानी खरीदते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक बहुत बड़ा पैसा आता है ये सब लाइसेंस बेच के। जैसे आपको बताया था ना, ये तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाता है, इसमें एक डेटा आता है रुपी कम्स फ्रॉम में, कि रुपी कम्स फ्रॉम, ये रुपी कम्स फ्रॉम में यहाँ पर आप देखोगे कि गवर्नमेंट इनकम करता है इसमें, जिसमें एक मोटा मोटी गवर्नमेंट के इनकम का एक ओवरऑल एक बड़ा आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। ये जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है, ये क्या है सर? ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ये जो ग्रीन एरिया है, अप्रोक्स 7% इनकम गवर्नमेंट करता है, 100 में से 7 रुपीज गवर्नमेंट अपना लाइसेंस बेच के कमाता है। जैसे ये जो नेटवर्किंग बिजनेस है, ये नेटवर्क बिजनेस के लिए एक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है इसको? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम माने 4G 5G, उससे पहले था 2G 3G, है ना। सो 2G, फिर 3G, फिर 4G, अभी 5G, फिर 6G 7G, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो ये जब भी इसका नेटवर्क का लाइसेंस होता है, ये गवर्नमेंट एक्चुअली सेल करता है। इस लाइसेंस का पूरा ग्रिप रहता है BSNL के हाथ में। किसके हाथ में? BSNL के हाथ में, टेली कम्युनिकेशन एंड BSNL के हाथ में, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL इसीलिए अभी बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा, वो बस एडमिनिस्ट्रेशन ही संभाल रहा। गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर नहीं सकता था? हाँ कर सकता था, पर प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट करने से ही करप्शन का बदबू। सारा पैसा नेटवर्क क्या पीछेगा, पूरा पैसा तो सब नेता लोगों का और IAS के ऑफिसर्स के लोगों के पॉकेट में घुस जाएगा। यानी जितना पैसा रोल आउट होगा गवर्नमेंट के तरफ से, वो सब ही पैसा पहले लोगों के पॉकेट में घुसेगा, फिर आपके घर में जो नेट पहुंचेगा वो नेट खत्म। आप बोलोगे लैग हो रहा है, आप ये आप बोलोगे नहीं मेरा तो इंटरनेट था पर खत्म हो गया, ठीक है। कोई बोलेगा मेरे गांव में इंटरनेट है नहीं, लेकिन आज जियो के परिसेवा के कारण कश्मीर से लेके कन्याकुमारी आपको मिल रहा है। मैं आपको जियो का गुणगान नहीं गा रहा हूँ, आप मेरे को गलत मत समझो। मैं आपको एक सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये प्राइवेट बिजनेसमैन जो होते हैं, ये मेहनत करके कमाते हैं। ऐसा नहीं
कि करप्शन करके कमा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो बिजनेस करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस का कोशिश करता है, ठीक है, कि पॉलिटिकल फेवरेटिज्म पाने का कोशिश करता है, वो भी उनके बिजनेस के लिए करना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करते हैं ताकि वो उनको सपोर्ट करें, लाइसेंस पाने में उनको हेल्प करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पूरा भारत में नेटवर्क का विस्तार हुआ है, आपको पता है ये जो पूरा नेटवर्क है ये पूरा समुन्द्र के नीचे नीचे है, इस तरह से ये जो नेटवर्क का लाइन है ना पूरा समुन्द्र के नीचे नीचे से मेन लाइन, और फिर वो दुनिया के बड़े बड़े सर्वर से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क के सर्वर सर्वर से, एक सिंगापुर में है, एक भारत में बैंगलोर में भी एक सर्वर का बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, फिर वही नेटवर्क से देश के अंदर अंदर बॉम्बे में, इधर कोलकाता में, इधर दिल्ली में, इधर से, ठीक है, इस तरह से ये सर्वर बिछाने में बहुत खर्चा होता है। तो सोचो कितना बड़ा देश है, कम से कम यहाँ से चेन्नई का बीच का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 2000 किलोमीटर, फिर इधर से कम 5-7 हज़ार किलोमीटर तो सिर्फ बीच का ही डिस्टेंस हो जाएगा, मैंने अगर गुजरात के इस एरिया से इस एरिया कवर करे तो अप्रोक्स 5-7 हज़ार 8 हज़ार किलोमीटर यहीं पर हो जाएगा नॉर्मल में। ऐसे मुंबई यहाँ से लेके ये जो कोलकाता टू मुंबई 2000 किलोमीटर होता है प्लेन लैंड, तो सोचो पूरा राउंड करके कितना समय, कितना डिस्टेंस होगा इस पूरा एरिया में नेटवर्क को कवर करना, फिर जहां पर इस एरिया से मेन एरिया में इसको घुसाना, कितना तार चाहिए, कितना टेक्नोलॉजी चाहिए, कितना सर्वर चाहिए, तो ह्यूज कॉस्ट आउटले होता है इन लोग, कॉस्ट आउटले माने खर्चा करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये लाइसेंस बेचता है, गवर्नमेंट ये लाइसेंस बेचता है, उसके बदले गवर्नमेंट को भी इनकम मिलता है। चलो जस्ट नॉलेज के लिए आपको एक बताया, तो बात अदानी अंबानी का नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स अपनी मेहनत से कमाते हैं, हाँ उसके अंदर भी उनका भी थोड़ा बहुत चलता है, बट एटलीस्ट पॉलिटिशियंस की तरह जो करप्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं, पूरा पैसा खा जाना पब्लिक का, वेलफेयर का पैसा, वो बहुत खतरनाक चीज होते हैं देश के लिए, जो भी हो। अब ये सब अकाउंटिंग डेटा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2022-23 में एक्चुअल फिगर आया है, प्राइमरी डिफिसिट कितने का है ये देखो, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है, ओवरऑल रेवेन्यू डिफिसिट मानी कितना आना चाहिए और कितना आया, ठीक है, लास्ट ईयर के साथ उसको हमेशा कनेक्ट करते हैं। एक बजट एस्टिमेट होते हैं और एक एक्चुअल होते हैं, एक बजट एस्टिमेट होते हैं और एक रिवाइज एस्टिमेट होते हैं, ठीक है, तो एस्टिमेशन से हम लोग कितने पीछे हैं, ठीक है। भारत अभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बन पाया सर, इंडिया अभी भी एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, क्या है सर, इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, मैंने अभी भी हम लोग विदेश से चीज ज्यादा मंगवाते हैं और विदेश को चीज कम बेच पाते हैं, ऐसे पहले से काफी बेहतर कर रहे हैं, मतलब इतना भी कमजोर मत समझो, ठीक है, लेकिन देश इतना बड़ा है, देश इतना बड़ा है जिसका जरूरत इतना ज्यादा है कि इतना करने के बाद भी कम पड़ जा रहा है। ये देखो आपको एक छोटा सा डेटा दिखाता हूँ, ओके, ये इंडियन इकोनॉमी है क्या, ये इंडिया निकला, देखो मैं आपको इंडियन इकोनॉमी दिखाता हूँ, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये देखो इंडिया का एक्सपोर्ट डेटा देखो, 776.68 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 23-24, और इंडिया का इंपोर्ट डेटा देखो 854.80, तो जस्ट 854.80 से माइनस कर दो 776.68, आप अप्रोक्स 100 कितना हो रहा है कैलकुलेट कर, हाँ नहीं नहीं 17 854 माइनस 776 कितना बिलियन का डिफरेंस हो रहा है देख, 78 चल 78 बिलियन का अप्रोक्स, ये लास्ट ईयर से कम हुआ है सर, इससे पहले 120 बिलियन का डिफरेंस था, याद है शायद मैंने ही क्लास में बताया, ये 23-24 का डेटा है, थोड़ा और अपडेट हो गया है, 112-113 ऐसा कुछ था, अभी 78 बिलियन का हो, तो सर इंडिया कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और ऐसे कि इंडिया में इंडिया का ग्रोथ एस्टिमेट भी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने हाई कर दिया, 7.2% का ग्रोथ एस्टिमेट दे दिया वर्ल्ड बैंक ने कि इंडिया का ग्रोथ 7.2% में जाए, 7.2% मैंने आज के डेट पे वर्ल्ड पे ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो इंडिया के ग्रोथ के सामने कोई टिक पाए, जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं सर, 2023 का 7.8, 2024 का अभी तक एस्टिमेशन है 6.8, 2025 का 6.5%,
यह जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेशन। जीडीपी ग्रोथ से क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ से पता चलता है कि कंट्री का ग्रोथ का स्पीड क्या है, ग्रोथ का स्पीड क्या है। हाँ, मतलब वो बेसिकली ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हुए एक एस्टिमेशन किया गया है, ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हुए कि ग्रोथ तो सिर्फ इंडिया अकेला नहीं करता है, ग्रोथ तो बाकी कंट्रीज भी करते हैं। हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइना, ठीक है, तो चाइना का ग्रोथ अगर कम होता है तो इंडिया को फायदा होता है, अदरवाइज मैक्सिमम वही खा जाता है, ठीक है। तो यही रिसेंट ट्रेंड में क्या हुआ है कि चाइना का ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया है, वो लोग मोटा मोटी 2-3% के ग्रोथ में आ गया है, ग्रोथ में मैंने बेसिकली डेवलपमेंट में नहीं, डेवलपमेंट में वो काफी आ गया है, लेकिन अभी ग्रोथ इंडिया की तरफ है, अभी पूरा ग्रोथ इंडिया की तरफ है। तो दुनिया चाहता है कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट इंडिया में, ऐसे तो इंडिया का सर्विस सेक्टर काफी अच्छा है, हम लोग टोटल जीडीपी का 53.3% सर्विस से कमा लेते हैं, इंडस्ट्री से 23.8% करते हैं और एग्रीकल्चर से 18.4% करते हैं जीडीपी का। अब गवर्नमेंट चाहता है कि जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री से जुड़े, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। सर्विस सेगमेंट में हम लोग काफी अच्छे कर रहे हैं लास्ट 20-25 सालों से 30 सालों से, आईटी सेगमेंट्स में, आईटी सेक्टर्स में हम लोग काफी अच्छे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकली डेवलप होना पड़ेगा, ठीक है, जो काफी प्रिमिटिव मेथड अभी भी यूज होता है, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हम लोग काफी पीछे रह गए हैं कंपेयर टू चाइना। चाइना का इकोनॉमी में अगर देखोगे सर्विस सेक्टर से ज्यादा उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ज्यादा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यही सब चीजें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। चलो, अगर ये सब बात समझ में आ रहा है ना, तो पब्लिक फाइनेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो पब्लिक फाइनेंस करने का मेन रीजन क्या है कि ताकि गवर्नमेंट देश को प्रॉपरली मूव कर पाए। तो लास्ट दिन ये भी बताया था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, बोला था? हाँ नहीं, या सिर्फ इंट्रो ही बोला था, मेरे को तो लग रहा है कि मैं बोला था, ठीक है चलो बताते हैं। हाँ मैं बोला था लास्ट दिन, नेक्स्ट दिन आपको एलोकेशन फंक्शंस बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट का तीन काम आता है सर, एक होता है रिसोर्स एलोकेशन टू इंश्योर एफिशियंसी, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन टू गारंटी फेयरनेस, एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। मैं आपको ये भी बोला था सर, तीन काम होता है सरकार, सरकार का तीन मेन मुद्दा होता है कंट्री को चलाने का, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कीम्स है। ये चीज आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो कि गवर्नमेंट को हमेशा तीन चीजों पर फोकस करना पड़ता है, एक जीडीपी ग्रोथ पे, प्रोडक्शन पे, एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल माने महंगाई ना हो उसको कम करना है, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, प्रोडक्शन को ग्रो करना, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। यही चीज मैं आपके साथ बताते बताते बोला था, और इसको करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग सोर्स से क्या करता है, पैसा का जुगाड़, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक स्मिथ का भी बात बोला, अच्छा ये भी बोला था सर सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्मिथ सॉ एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स एलोकेशन रोल फॉर द गवर्नमेंट व्हेन ही अंडरलाइन द रोल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का काम क्या है, हम लोग सोचते हैं सरकार का काम प्रोजेक्ट डिक्लेयर करना है, या फिर सरकार का काम होगा कि चाल डाल बेचना, पैसा चोरी करना, तो करप्शन हो गया, बट हम लोग करप्शन के नाम पे हम लोगों के साथ किस तरह से होता है देखो मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे किसान कितने दाम पे मार्केट में प्रोडक्ट बेचेगा नहीं बेचेगा, ठीक है, हर चीज में हम लोग सरकार यहाँ पर टांग अड़ाते हैं, सही मुद्दा नहीं है। मैंने तुम फार्मर को छोड़ो ना, ओपन छोड़ो ना मार्केट में, फार्मर को ओपन छोड़ो ना, नहीं छोड़ेगा सरकार का, किसान का चीज सरकार उठा लेगा मिनिमम प्रॉफिट से, क्यों, मार्केट से ज्यादा, मार्केट में उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तुम क्यों मिनिमम प्रॉफिट उठाओगे। फार्मर जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो मंडी में जाके उसको बेचना पड़ता है, और सरकार उनको सही जगह दिखाना नहीं चाहता। सरकार का मानना है कि हम तुमसे सस्ता खरीदेंगे, फिर हम राइस मिल वाले को बेचेंगे, फिर उनसे पैकेज करके मैं अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस करूंगा ताकि मेरे को बोर्ड मिले, मैं तुमको चावल देता हूँ, मैं तुमको आटा देता हूँ, ठीक है, फ्री में मैं ये देता हूँ, फ्री में मैं वो देता हूँ। सरकार हमारे साथ खेल खेल रहा है सर, क्योंकि आज के डेट में 2024 में आके जब दुनिया चांद पे पहुंच रहा है, ठीक है, जहां टेक्नोलॉजी, जहां टेस्ला जैसा कार बन गया है, ठीक है, जहां तुम स्पेस एजेंसी बना के सीधा स्पेस पहुंच सकते हो, इवन इंडिया भी इतना सारा चीजों में डेवलपमेंट कर दिया है, आज के डेट में अगर कोई पॉलिटिशियंस हमारे साथ चाल डालकर राजनीति करता है ना, तो पब्लिक को 10 बार सोचना चाहिए कि चल क्या रहा है, ये चाल डालकर राजनीति करने का टाइम नहीं है,
काफी दूर जाने का राजनीति है। वही चीज यहां पर बता रहे हैं कि सरकार को मेनली क्या करना है। सरकार का मेन काम है, स्मिथ बहुत पहले एडम स्मिथ ने देखा था कि नेशनल डिफेंस टू प्रोटेक्ट द नेशंस फ्रॉम एक्सटर्नल वायलेंस एंड इन्वेजन्स, ताकि कोई हमारे कंट्री को अटैक ना करे और हमारे कंट्री का जगह को ना हड़पे। कौन दिखते हैं डिफेंस है एगी है। हम लोग डिफेंस में आगे हैं सर, अभी वर्ल्ड का जो डिफेंस है उसमें इंडिया का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो वर्ल्ड में काफी अच्छे पोजीशंस पे आते हैं, पहले से अच्छे हो गए। लेकिन हम लोगों का लास्ट अगर तुम 500 साल का हिस्ट्री देखोगे तो सिचुएशंस ऐसा नहीं था, ठीक है। तभी हमारे देश में बहुत ज्यादा एक्सटर्नल वायलेंस भी हुआ है और इन्वेजन्स भी हुआ है, इवन कुछ साल पहले तक भी, ठीक है। अगर हमारा प्रोटेक्शन इतना ही अच्छा होता, अगर हमारा प्रोटेक्शन इतना ही अच्छा होता तो फिर आज भी कश्मीर की वो प्रॉब्लम में है। आज भी कश्मीर का मुद्दा को हम लोग पॉलिटिकली क्यों ओपन छोड़ा था, वो स्ट्रेंथ में बता रहा है, मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ से बता रहे हैं कि कितना हमारे पास मैन पावर है, ठीक है। बट यहाँ पर बात सिर्फ मैन पावर का नहीं, ठीक है, वो तुम जो बोल रहे हो कि कितने नंबर पे है मिलिट्री स्ट्रेंथ से बोल रहे हैं, बट यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग या भी पहले तो काफी पहले से काफी बेहतर हो गया है, बट मैं कह रहा हूँ कि लास्ट 50-60 सालों में भी हम लोगों ने क्या किया। कश्मीर मुद्दा पूरा ओपन रह गया था, ठीक है, अरुणाचल पे अभी भी चाइना बोलता है अरुणाचल हमारा है, ठीक है। इधर सिक्किम के इस कोने से, सिक्किम के इस कोने से ये देख रहे हो सर, ये बॉर्डर, ये एरिया है भूटान का, ठीक है। इस एरिया में चाइना पूरा, ये एक्चुअली तिब्बत के अंदर है और तिब्बत अभी चाइना के पार्ट है, और ये तिब्बत का ये एरिया चाइना हड़पना चाहता है, पूरा पूरी कंट्रोल में लेना चाहता है। इधर वो अलग अलग कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। जस्ट इमेजिन ये एरिया, ये जो सिक्किम के साथ ये जो भूटान के बीच का जो एरिया है, इस एरिया में जो भूटान का एरिया है जिसको चाइना बार बार तिब्बत का जगह बोल के क्लेम करना चाहता है और पूरा कंट्रोल दबाना चाहता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बना रहा है। इवन रेल लाइन भी तिब्बत के जैसे इतना भयंकर माउंटेनियस रीजन में वो रेल ट्रैक भी बना रहा है, ताकि वो इजी मैन पावर का ट्रांसपोर्टेशन कर सके। और उसका सोच विचार बहुत ही चिंता वाला होता है सर। वो उसका कोशिश क्या है कि वो पूरा भारत का एक प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम ये है कि ये बीच का बांग्लादेश जो 47 के टाइम पे हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे गांधी जी बोलो या नेहरू जी, ठीक है, बहुत गंदा राजनीति किया, इतना गंदा राजनीति किया है जिसका मतलब जितना बार बोलो उतना बार मुंह से गाली निकले। मुझे समझ में नहीं आता, कोई बोलेगा सर नहीं तब का सिचुएशन अलग था, कुछ भी अलग नहीं था, आज भी हम लोग ऐसे ही रहते हैं। हिंदू मुस्लिम का बात किया ना वो लोग, ठीक है, तो आज के हमारे देश में मुस्लिम नहीं रहते, सोचो सर, ठीक है। ओ, पाकिस्तान वाला मुस्लिम को लेके दिक्कत है और बांग्लादेश वाला ना, इधर 16 करोड़ लोग रहते हैं उसमें 2-3 करोड़ हिंदू भी रहते हैं इसमें, ठीक है, आज भी, ठीक है, और पाकिस्तान में 22 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। आ जा भाई सब आ जा, हम हैं देख लेंगे, आज भी तो 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं इधर। लेकिन ये देश को तोड़ के ना हिंदुस्तान को बहुत वीक कर दी, और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। हाँ, बांग्लादेश एक तो इतना फर्टाइल लैंड है, ऊपर से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन स्नेक कहते हैं, मतलब ये इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का सिर्फ लैंड के थ्रू से, यार को छोड़ दो सर, ठीक है, लैंड के थ्रू से सिर्फ इतना सा जगह है, सिर्फ इतना सा जगह, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, दिस इज कॉल्ड चिकन स्नेक, दिस इज जस्ट 22 किलोमीटर का एक एरिया जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, ये 22 किलोमीटर जिसका नॉर्थ ईस्ट उसका। अगर ये वाला एरिया होके अगर किसी कारण से कभी भी अगर इंडिया का लीडरशिप वीक पड़ जाए, कल राहुल गांधी को बना दो, बनाओ राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर, फिर देखो वो चाइना के प्राइम मिनिस्टर के गोद में जाके बैठ जाएगा, वो जॉब क्रिएशन के नाम पे चाइना को बेच देगा, जॉब क्रिएशन के नाम पे बेच देगा। उसका दादाजी भी ऐसे ही पॉलिसी बनाता था, कुछ भी करता था, आई एम नॉट जोकिंग, हिस्ट्री प्रूफ है उसके लिए। आज अरुणाचल आज भी क्यों प्रॉब्लम में, लद्दाख कश्मीर का इश्यूज में इतना इश्यूज क्यों रहेगा, एक प्रॉपर लीडरशिप कहाँ है, समझ में आ रहा है सर, मैं आपको फैक्ट उठा के बात कर रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे को नेहरू जी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानता भी नहीं, देश का पहला प्राइम मिनिस्टर है उसका रेस्पेक्ट है,
बट मैं पॉलिसी का बात कर रहा हूँ कि देश को तुम किस हालत में छोड़ोगे, क्या दिया तुमने, क्या तुम देश को तोड़ना रोक नहीं सकता था? सुभाष बोस को तुमने क्यों हटा दिया? सुभाष बोस तो कांग्रेस का लीडरशिप मिला था, लेकिन जस्ट बिकॉज गांधी जी को सुभाष बोस पसंद नहीं था, सुभाष पूरा देश को अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, ताकि वो देश का प्राइम मिनिस्टर बन सके, सुभाष बोस का पॉपुलैरिटी उनको पसंद नहीं था, क्योंकि सुभाष बोस रहता तो नो डाउट सुभाष बोस को ही प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम। अरे भाई आइडियोलॉजी को बाद में रखो, पहले देश, नेशन फर्स्ट, आइडियोलॉजी सेकंड में आना चाहिए। आज भी प्रॉब्लम है ना, टीएमसी का आइडियोलॉजी, बीजेपी का आइडियोलॉजी, सीपीएम का आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन आइडियोलॉजी बाद में, कंट्री फर्स्ट। आइडियोलॉजी के चक्कर में क्या कर दी? नहीं, हम लोग शांति का वाणी फैलाएंगे, हम लोग मार दंगा नहीं करेंगे। भाई हमारे माँ बहनों को मार रहे, तुम अभी भी शांति का वाणी फैलाओ? सो व्हाट एवर, सोचो कि चाइना बस अगर ये एरिया कवर कर लेता है, सिलीगुड़ी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, कितना होगा? 50-60 किलोमीटर होगा, हार्ड थिंग, वो भी सिर्फ पहाड़ी है बोल के, हिली एरिया, माउंटेनियस एरिया। ये एरिया अगर किसी कारण से ड्यू टू एनी बैड लीडरशिप चला जाता है, खत्म, फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट छीन जाएगा हमसे, मैंने ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। मेनली वो लोग तो, उनका मेन टारगेट है अरुणाचल प्रदेश, क्यों जानते हो? कोई भाईचारा थोड़ी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, हाँ, रिसोर्सेज माने एक्चुअली इसमें उनका मेन टारगेट है। तिब्बत है तो बहुत बड़ा, पर तिब्बत तो ड्राई जोन है, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट है, तिब्बत इज लाइक अ कोल्ड डेजर्ट, जिसका आपको लद्दाख जाके पता चल जाएगा, घास भी प्रॉपरली नहीं उगता है, ठीक है, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। तो तिब्बत तो उनके पास है, तिब्बत में लेक्स है जिससे नदी निकलते हैं, लेकिन तिब्बत में कुछ नहीं है। ऊपर वाला का ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, मानसरोवर से, जैसे ये दो सरोवर से भारत का मैक्सिमम नदी का मेन रिसोर्सेस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं। हमारे सिंध नदी, हमारे गंगा नदी, हमारे ब्रह्मपुत्र नदी, सब नदी का सोर्स यहीं से चालू होता है, जिसको हम लोग कैलाश एंड मानसरोवर बोलते हैं। इंटरेस्टिंगली ये लोग, मतलब ये जैसे ब्रह्मपुत्र ऐसा ऐसा करके आता है, ठीक है, इसका फ्लो का कॉन्सेप्ट, फिर अरुणाचल में इस तरह से घुसता है, और इंटरेस्टिंगली इतना दूर, जितना देर तक ये मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में है, तिब्बत में उसका मैंने पानी उतना नहीं है, मैंने जितना उसका वाटर का वॉल्यूम होना चाहिए, उतना वॉल्यूम उसका तिब्बत में नहीं है, जितना वॉल्यूम उसका अरुणाचल में घुसने के बाद हुआ है। अब चाइना को क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको एक ज्योग्राफिकल फैक्ट बता देता हूँ, बाद में आप लोग रिसर्च कर लेना। ये चाइना का ये एरिया देख रहे हो, ये लोग वाटर, ये कनमिंग, ठीक है, इसको ये साउथ चाइना में आता है, ठीक है, जो इंडिया से बहुत पास में है। ये कनमिंग एरिया इस साउथ चाइना का सबसे बड़ा एरिया है, इस एरिया में वाटर रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, माने ग्राउंड वाटर शॉर्टेज है। तो अगर ब्रह्मपुत्र हो जाए तो वो यहाँ से एक डैम बना के इस तरह से पूरा वाटर इधर सप्लाई करेगा। इंडियन ओशन से, अरे पागल, समुद्र के पानी से क्या होता है? समुद्र का पानी कैसे यूज कैसे करेगा? समुद्र के पानी से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? तब तो फिर वाटर शॉर्टेज कभी होता ही नहीं बैंगलोर में। अरे भाई समुद्र का पानी पीने लायक थोड़ी होता है, जीने के लिए थोड़ी होता है। तू पी के देख, कभी दो बॉटल पी ले फिर क्या होता है देख, दो बॉटल पी ले समुद्र का पानी फिर देख क्या होता है तेरा। ऐसे एक एक लीटर का दो दो बॉटल पी ले, मत करना कभी। हाँ पता नहीं, डिहाइड्रेशन पे भर जाएगा, शरीर में नमक बढ़ जाएगा, ठीक है, और शरीर में इतना नमक शरीर सह नहीं कर, ब्लड को पानी कर देगा, और ब्लड पानी हो जाएगा तो कैसे भागेगा वो? तेज भागेगा, ऐसे ब्लड मोटा होता है, धीरे धीरे भागता है, उसमें अगर पानी का मात्रा ज्यादा हो जाए, वो शरीर में एकदम फास्ट 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 मूव करेगा, और फास्ट मूव करेगा तुम्हारा छाती, हार्ट संभाल नहीं पाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा। सिंपल साइंस है, डॉक्टर का क्लास चलो सर, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग में, आपके एक पॉइंट से हजारों पॉइंट निकल जाता है, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये इकोनॉमिकल सिचुएशंस को समझो। नेशनल डिफेंस टू प्रोटेक्ट द नेशंस फ्रॉम एक्सटर्नल वायलेंस एंड इन्वेशंस, एस्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ जस्टिस टू प्रोवाइड इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, ये कंट्री का काम है,
देश का काम है, स्टेट का काम है, गवर्नमेंट का काम कि देश का जो जस्टिस सिस्टम है न्याय दिलाओ। ठीक है, अभी जो हुआ है रिसेंटली पश्चिम बंगाल सरकार का, हाँ, जो 25,000 लोगों का नौकरी जो लोग गलत तरीके से नहीं आता, इलीगल तरीके से पूरा एकदम खत्म कर दिया, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैकअप से, आज तक ऐसे इस तरह का डिसीजन आज तक नहीं हुआ पूरे देश में कि पूरा का पूरा एक रिक्रूटमेंट सिस्टम को स्कैम कर देता है और कोर्ट ऐसा डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि ये बहुत इंपैक्टफुल मैटर है। हाँ, स्टूडेंट का क्षति सिस्टम का एक बहुत बड़ा बात, दैट्स अ ह्यूज थिंग। ये हाई कोर्ट कोई पागल नहीं है कि मस्ती चल नहीं चल रहा है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। अब टीएमसी गवर्नमेंट बोला है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जाने दे, मैं भी देखता हूँ, कुछ नहीं कर पाएगा, सुनेगा नहीं, गारंटी नहीं सुनेगा। करप्शन तो दिख रहा है चारों तरफ, दिख रहा है। मेरे को कोई भी करे मैं खुला बोलूंगा, कल बीजेपी करेगा तो वो भी छोड़ूंगा, थोड़ी ना कम बोलूंगा, सीपीएम किया तो छोड़ूंगा क्या, जो है वो है, पब्लिक का चीज है, चला गया खत्म। तो एस्टैब्लिशिंग सिस्टम ऑफ जस्टिस, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईली बेनिफिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। चलो एस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस हाईली बेनिफिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई, पब्लिक वर्क सच एज रोड्स, ब्रिजेस, कैनल्स, हार्बर्स, पोस्टल सिस्टम दैट प्रॉफिट सीकिंग इंडिविजुअल्स मे नॉट बी एबल टू इफिशियंटली बिल्ड एंड ऑपरेट। गवर्नमेंट इतना कुछ कुछ करे ताकि सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग लोग, जिसके पास दिमाग है, जैसे रिलायंस, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी इतना ग्रो इसलिए कर पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट कोरप्टेड है। अगर गवर्नमेंट खुद कर सकता था तो अदानी अंबानी का इतना ग्रोथ नहीं होता और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छा और अच्छे से काम करता। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आज दो चार बिजनेसमैन फैमिली के पास पूरा प्रॉपर्टी का हक क्यों जाएगा अगर सरकार ठीक से काम करेगा तो? लेकिन सरकार अगर पूरा प्रॉपर्टी को करप्शन की तरह पॉलिटिकल लीडर सिर्फ अपना बिल्डिंग बनाने के लिए और चार चक्का बनाने के लिए यूज करेगा, मुश्किल है। ये तो खत्म कर देगा और वही तो किया है इतना देर से। और अभी जो ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इसी गैप का फायदा प्राइवेट बिजनेस प्लेयर उठाएगा, जिसके पास समझ रहे सर, इसीलिए तो सारा चीज प्राइवेटाइज कर रहा है, क्योंकि तो प्राइवेट में एटलीस्ट काम तो हो रहा है, क्वालिटी तो हो रहा है उसमें, ये सब पॉइंट आ जाता है। चलो लास्ट दिन ये भी आप लोगों में हल्का सा स्लाइटली बोला था, रिचर्ड मुसग्रेव इन हिज क्लासिक ट्रीटीज द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 में बोला था, इंट्रोड्यूस द थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ए मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ए मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी मैंने अमेरिका जैसे इकोनॉमी, इंडिया में भी होता है, ठीक है, लेकिन इंडिया मिक्स में चलता है, मार्केट इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिज्म दोनों चलता है। ठीक है, मस्ग्रेव बिलीव दैट फॉर कॉन्सेप्चुअल पर्पस द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर टू बी सेपरेटेड इनटू थ्री, नेमली रिसोर्स एलोकेशन टू एंश्योर एफिशिएंसी, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन टू गारंटी फेयरनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट का काम क्या है मार्केट इकोनॉमी में, आप रिसोर्स एलोकेट करो, यानी कितना रिसोर्सेस किसके पास कितना रहना चाहिए इसका एक एलोकेशन करो, मैंने आप जुगाड़ कर दो, बाकी वो अपने हिसाब से ले देगा। यानी आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम इतना रख सकते हो, तुम इतना नहीं रख सकते, जो कम्युनिस्ट बोलता है, कम्युनिस्ट जैसे बोलता है, कम्युनिस्ट बोलते हैं कि तुम जमींदार नहीं बन सकते। अरे भाई, तुम वो जमींदारी अगर अपने दम पे करता है विदाउट एनी करप्शन तो बन सकता है, जबरदस्ती तुम किसी का जमीन नहीं हड़प सकते, कम्युनिज्म में ये प्रॉब्लम है। कम्युनिस्ट बोलते कि नहीं, तुम एक सर्टेन लेवल तक का जमीन रख सकते हो, उसके ऊपर का नहीं। सर खराब क्या बोल रहा है, अच्छा ही तो बोल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर तो फिर ये तो बेसिकली रोक टोक हो रहा है ना, ये तो तुम इंसान को कंट्रोल कर रहे हो, उसको उसका फ्रीडम पे तुम आघात कर रहे हो। जब तुम किसी का फ्रीडम को ऐसे करोगे, इसी तरह से बिरला को खत्म कर दिया, यानी कोलकाता से पूरा कोलकाता, आज इतना लैक ऑफ इंडस्ट्री क्यों है कोलकाता, जो एक समय में इंडिया का पावर पावर हाउस हुआ करता था, वो पावर हाउस कहाँ खत्म हो गया। हाँ, बी फॉर बिजनेस बी फॉर बंगाल। हाँ, वो कितना भी लिख ले भाई, वो पाप तुमको छोड़ेगा नहीं, इतना पाप किया है ना बंगाल का सरकार लोग, स्पेशली कॉम्युनिस्ट।
इतना पाप किया है जो अब हर एक यूथ को सहना पड़ेगा। मैंने इतना पावर हाउस सोच होने के बावजूद, इतना पावरफुल लोग होने के बावजूद, अरे वही तो पाप। मैंने क्या लोगों को डराने तो पाप ही है। हाँ वो लोग डरा के खत्म किया। देख उनके टाइम का सिस्टम और आज के टाइम का सिस्टम में एक फर्क क्या है, मैं तेरे को बताता हूँ रूपंकर। उनके टाइम पे कोई इंडिविजुअल पूरा नहीं खाता था, पार्टी खाता था। ठीक है ठीक है, वो लोग वो कैडर को खिलाता था, मैंने पूरा एक पार्टी उसके हकदार होता था। यहाँ पर जो लेता है पूरा लपेट। मैंने कहने का मतलब है उस टाइम पे वो लोग थोड़ा सा मैंने चोरी कर रहे हैं, पर चोरी का हिस्सेदारी सबको मिलता था। अभी कह रहे जो चोरी का मस्तान बनेगा वो चोरी का है हकदार बनेगा, अदरवाइज तुम भाई कुछ नहीं। तो बस चोरी तो चोरी हुआ ना, तो इस तरह से थोड़ी ना होता है। तुम देश चला रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी देश चलाने का एक मशीन हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी चलाना तो उसका मुद्दा क्या हो गया था कम्युनिस्ट का इंडिया में, मतलब स्पेशली वेस्ट बंगाल में या फिर केरला जैसे में, वो अपना पार्टी को देखने के लिए देश को चला रहा था। मतलब उनके लिए देश चलाना मुद्दा नहीं था। नेशन फर्स्ट नहीं था, पार्टी फर्स्ट था। आज भी कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं ना वो देश जाए भाड़ में, अमर अमर लाल सलाम, देश का कुछ मैटर काम नहीं करता। देश का लोग क्या सोचेगा, देशेर व्यापारे कोनो कथा ना। अमर पार्टी लोके राजा भालो थाके। माने तू कम्युनिज्म करेगा मैं तेरे को देखूंगा, तू कम्युनिस्ट बनेगा मैं तेरे को देखूंगा, तू बनेगा कम्युनिज्म मैं तेरे को देखूंगा। मैं तू मेरा लाल भाई है, मैं तू मेरा लाल भाई है। लाल भाई मैंने लाल सलाम, उसका लाल झंडा होता है, चाइना का झंडा भी लाल होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देश जाए भाड़ में, मतलब अगर माने कि कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे को लाल नहीं, मेरे को हरा पसंद है, नहीं नहीं मेरे को हरा नहीं मेरे को गेरुआ पसंद है, नहीं बोल सकते। जो बोलेगा वो मार खाएगा। जो बोलेगा मुझे गेरुआ पसंद है भगवा पसंद है, मार खाएगा। ये कौन किस तरह का बात हो भाई, ये प्रॉब्लम है। जो भी हो समझा करो सर, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स जुड़ जाता है। मैं किसी का आइडियोलॉजी में आघात नहीं देना चाहता, ठीक है, बस मैं आपको फैक्ट उठा के बात कर रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली सारा प्रूफ बना हुआ है। सर बीजेपी के बारे में कुछ बोलो, सर उनको तो देश चलाने का मौका अभी मिला है। ये इनको इनका गलती पता लग भी जाएगा तो फिर आगे हिस्ट्री बनेगा तो बताऊंगा। ठीक है, बीजेपी के बारे में भी बोलूंगा, ठीक है, क्यों नहीं बोलूंगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। अच्छा, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आर प्राइमरीली माइक्रो इकोनॉमिक व्हाइल स्टेबिलाईजेशन इज अ मैक्रो इकोनॉमिक। माने रिसोर्स को एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये प्राइमरीली माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है। ठीक है, वाइल इकोनॉमी को स्टेबल रखना ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। माने तुम देश पहले तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो एलोकेशन करना है वो माइक्रो है, पर उसको स्टेबल करके रखना वो मैक्रो है। द एलोकेशन फंक्शन एम्स टू करेक्ट द सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। एलोकेशन माने क्या दिक्कत हुआ? हाँ, एलोकेशन फंक्शन माने जैसे कि मान लो जितना भी इकोनॉमी में रिसोर्सेस अवेलेबल है उस रिसोर्स को एक प्रॉपरली एलोकेट करना है, कि जैसे कितना जॉब क्रिएट हो सकता है, कितना कंपनी बन सकता है, उस कंपनी में कितना लोग काम कर सकता है, एग्रीकल्चर में कितना लोग काम करेगा, इंडस्ट्री में कितना लोग काम करेगा, इंडस्ट्री अगर है नहीं तो उसको कहाँ से रेडी करे। ठीक है, एवरीथिंग, ये सब चीज को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आ रहा सर? तो वही अगर रिसोर्स एलोकेशन के जड़ में प्रॉब्लम है, रिसोर्स एलोकेशन के जड़ में प्रॉब्लम है। उस जड़ को ठीक करने को बोलते हैं इनएफिशिएंसी। यानी वहां पर अगर इनएफिशिएंसी है, जैसे कि करंट अगर आप स्टेट का हालत देखो, मैं अपने स्टेट के बारे में बोलता हूँ, बिहार के बारे में बोल सकता हूँ, ठीक है, तो वहां पर दिक्कतें क्या है? ये एक काम कर, थोड़ा सा इधर आ जा, सेट हो जा। ठीक है, जैसे जो भी स्टेट अभी काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ हालत में चल रहा है उनके बारे में यही बोल सकते हो आप कि रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऊपर साइड है, एकदम साइड में। हाँ थैंक यू, समझ रहे सर आप लोग? ठीक है, अब देखो, द एलोकेशन फंक्शन एम्स टू करेक्ट द सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमिक सिस्टम व्हाइल डिस्ट्रीब्यूशन रोल एंश्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज फेयर। इसके बारे में
सीपीएम का एक अच्छा रोल, कम्युनिस्ट का एक अच्छा रोल बताता हूँ आपको, सब चीज बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। इंडिया में ब्रिटिश जाने के बाद, ब्रिटिश पीरियड में ना बहुत गंदा काम हुआ था। ब्रिटिश लोग तो क्या देश को लूटने के लिए ना, वो लोग खुद हम लोगों को नहीं लूटा, अपनों से ही अपनों को लुटाया गया। उनका थ्योरी बड़ा बहुत ही खतरनाक थ्योरी था, जिस तरह से पॉलिसी वो लोग लेता था, माने हमारा एनिमी हमारे अपने को ही बना दिया गया था। माने एक इंडियन ही इंडियन का एनिमी है, जैसे कि देश के अंदर जो जात पात का एक सिस्टम डेवलप किया गया था। जात पात इन द सेंस, ब्राह्मण सबसे ऊंचा, वैश्य उसके बाद, क्षत्रिय उसके बाद, वैश्य उसके बाद, शूद्र उसके बाद। शूद्र माने नीचू जाति, वैश्य माने थोड़ा सा बेहतर, क्षत्रिय माने उससे बेहतर, ब्राह्मण माने टॉप क्लास। ठीक है, ये जो सिस्टम समाज में लोगों के अंदर लोगों को गलत समझाया गया, ऐसा देश में नहीं है, देश में ऐसा कभी नहीं था। ये जो ब्राह्मण शूद्र वैश्य समाज ये जो भी है ना, ये बेसिकली लोगों के कर्मिक सिस्टम है। तुमका कर्म क्या है, तुम करते क्या हो, उसके ऊपर बेस है। अच्छा नहीं, ये कोई क्रोनोलॉजी नहीं है कि ये ऊपर है या नीचे है, नहीं। हाँ, टाइप्स माने जो जैसा काम करता है उसके उसके हिसाब से। ब्राह्मण माने जो टीचर्स है, क्षत्रिय माने जो राजा है या जो देश का प्रोटेक्टर है, वैश्य माने जो बिजनेस क्लास है जो बिजनेस करते हैं, और शूद्र माने जो वर्किंग ग्रुप है जो काम करते हैं। इसको संस्कृत में इस तरह से कहा गया है। जैसे आज भी कुछ टाइटल होते हैं, आपको समझ में आएगा, मैं आपको बताऊंगा तो आप बिलीव करोगे और मैं प्रूफ के साथ बोलूंगा। कुछ लोगों का टाइटल होता है चतुर्वेदी, सुना है सर? हाँ, ब्राह्मण होता है। चतुर्वेद का मतलब क्या होता है? चतुर्वेदी टाइटल कहाँ से आता है? जो चारों वेद का पढ़ाई किया है उसका टाइटल है चतुर्वेदी। ये बी नहीं है, वी। चतुर्वेद का नॉलेज जिसको है, चार वेद है एक्चुअली, ठीक है, तो चार वेद का नॉलेज जिसको, वो चतुर्वेदी। किसी किसी का नाम भी टाइटल में आज भी है त्रिवेदी। क्या त्रिवेदी? त्रिवेदी नहीं सुना? होता है नॉर्थ इंडिया साइड में काफी होता है त्रिवेदी। त्रिवेदी माने जो तीन वेद का पठन किया है। और किसी किसी का टाइटल होता है द्विवेदी, ठीक है, जो दो वेद का पठन किया है। और आज के डेट में शॉर्टकट भी यूज हुआ है, ठीक है, दुबे, दुबे जी। बहुत सारे लोग है ना दुबे बोलते हैं, दुबे माने ये वेद, माने ये जो द्विवेदी, ये द्विवेदी को दुबे बना दिया गया। द्विवेदी माने दो वेद का पठन किया है, तो उसको शॉर्ट में बोला गया दुबे। चौंक गए सर, कहाँ का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टाइटल, हाँ यू कैन से दैट, उससे भी हायर क्लास होता था उपाध्याय। वो सब नॉलेज के वाइज, ये टाइटल सब नॉलेज वाइज है, वही मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जो जिस लेवल का हायर लेवल में होता है उस तरह से वो सिस्टमेटिक सिस्टम है, ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है, छोटा जात नीचा जात ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के रेट में, आज के रेट में तो किसी को कुछ नहीं पता। आज के रेट में वो बस अपने पूर्वज से अपना वो टाइटल हायर करके लेके चल रहा है। हाँ, जैसे बंगाल में टाइटल होता है बंदोपाध्याय बैनर्जी, ठीक है, चट्टोपाध्याय चैटर्जी, ठीक है। ये बैनर्जी चैटर्जी इज नॉट ए इंडियन टाइटल, ये अंग्रेजों ने दिया है, ठीक है। गांगुली, सौरभ गांगुली, उसका टाइटल है गंगोपाध्याय, वो लोग ब्राह्मण है। तो क्या सर गांगुली को ब्राह्मणिज्म का कुछ भी पता हो? नहीं, एडुकेटेड है नो डाउट, बट ब्राह्मणिज्म का कुछ पता है मेरे को नहीं लगता, ठीक है। तो ब्राह्मणिज्म इन से एक एक वास्ट नॉलेज रखते होंगे आप, ठीक है, उस तरह से होता है। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट ये है कि ब्रिटिश ने क्या किया, राजा लोगों को बोला कि हम तुमको और पैसा देंगे लेकिन तुम अपने लोकल लोगों को कंट्रोल करो, कि हमको इतना खजाना चाहिए माने टैक्स चाहिए तुमको, मैं इंग्लैंड में गाड़ी दिला दूंगा, घर दिला दूंगा। आज भी देखना बहुत सारे इंग्लैंड में इंडियन अभी भी बसते हैं, वहां पर जाकर बसते ना। तो वो लोग बहुत पुराने समय में गया है, ब्रिटिश पीरियड में गया है, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश पीरियड में उस टाइम पे गया है, तो ब्रिटिश पीरियड में कैसे गया है? वो ब्रिटिश लोग लेके गया, राजा जमींदार लोगों को ब्रिटेन में घर दिया, जगह दिया,
बदले में लोकल एरिया में क्या किया वो लोग, अपने ही लोगों को शोषण किया, समझ में आ रहा है। और तुम अपने लोगों पे जब शोषित होते रहे, ब्रिटिश तो बहुत दूर का चीज हो गया, वो तो तुमको ऐसे ही लूटेगा। इसलिए सुभाष बोस जब आजादीन फौज बनाया था तो सुभाष बोस सबसे पहले ना वो इंडियन आर्मी का जो भी था, ब्रिटिश आर्मी का, उसमें तो सब इंडियंस ही थे, तो सुभाष बोस सबको बोल रहे थे भाई तुम अपने ही अपने को क्यों मार रहे हो। तो वो ब्रिटिश के ब्रिटिश आर्मी में काम करता है और वो इंडियंस को ही तो मार रहा है ब्रिटिश के कहने पे, कर क्या रहे भाई, समझ रहे सर किस लेवल का। तभी ना कभी सोचा है सर, 30 करोड़ इंडियंस रहता था उस टाइम पे, 30 करोड़, और ब्रिटिश का संख्या था 60,000, तो 30 करोड़ इंडियंस को 60,000 ब्रिटिश कैसे कंट्रोल कर लिए। ऑब्वियसली 60,000 ब्रिटिश ने तो कंट्रोल नहीं किया होगा, वो 60,000 ब्रिटिश ने 30 करोड़ में से 1 करोड़ इंडियंस को अपने पॉकेट में रखा था, ठीक है। और वही 1 करोड़ इंडियन या 50 लाख इंडियन जो राजा थे, ब्राह्मिन्स थे, टॉप क्लास कुछ थे, ठीक है, उनको लूटा, वो बिका और फिर उनके अंडर पे पूरा कंट्रोल देके बाकी नॉर्मल समाज खत्म। अब इस प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम चल रहा था, सीपीएम यानी कम्युनिस्ट जब वेस्ट बंगाल में झंडा गाड़ा एज वेल एज केरला में, इन्होंने एक बहुत अच्छा एक काम किया था, जमींदारी पे सीलिंग लिमिट लगाया 1954 में। ऐसे जमींदारी पे सीलिंग लिमिट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था, बट ये रूल का कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाया था, स्पेशली कांग्रेस ही था, अब तक कोई था नहीं, बीजेपी या जनता दल जो करता था वो तो जेल में चला जाता था। और उस टाइम पे बीजेपी या इस तरह का जो पार्टी था ना, उस टाइम पे जनता दल नाम होता था, तो जनता दल का कोई वही तो भारतीय जनता दल बोल के होता था, जो अपने कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उत्तर प्रदेश का कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, हाँ जनसंघ, ठीक है, वही उसी का एक पार्टी था जनता दल, ठीक है। तो ये लोगों को बहुत मुश्किल होता था, वो बात बात में इंदिरा गांधी उसको जेल में डाल देता था। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लैंड रिफॉर्म को लेके प्रॉपरली कोई काम नहीं किया था। ये जो सीलिंग लिमिट मैंने, जमींदारी का सीलिंग, लैंड रिफॉर्म मैंने, सभी जमीन का मालिक कोई ना कोई जमींदार है, तो फिर इंडिया का बाकी लोग क्या करेगा बैठे बैठे, उनके नाम पे कुछ नहीं, वो क्या दूसरों के जमीन पे जिंदगी भर काम करेगा। तो फिर सीपीएम ने एक बहुत अच्छा काम किया, दैट इज लैंड रिफॉर्म का काम किया, और यही सीपीएम का 34 साल राज करने का सबसे बड़ा राज है। और वो जमींदारों को मारा, डराया, उनसे जमीन छीना, फिर जब पावर में आया, तरीका बहुत ही उल्टा लिया, फिर जब पावर में आया तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जमीन, नॉर्मल लोगों को, इवन जो लोग बांग्लादेश से इधर आया था उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन बांग्लादेश वाले को डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट नहीं था उनको, क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग 71 के टाइम पे या 47 के टाइम पे जो इधर आया था ना, उनको एक्चुअली रखा गया था यहाँ पर शरणार्थी के रूप में, माने यू आर अ विजिटर्स, मैं आपको यहाँ पर रखा हूँ सेफ्टी के लिए, जब चीज ठीक हो जाएगा आप अपने जगह चले जाना। लेकिन कोई भी हिंदू स्पेशली जो 47 एंड 71 में बांग्लादेश में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का काफी प्रॉब्लम चल रहा था, और उस प्रॉब्लम को मतलब कोई भी वापस जाने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर लास्ट में इंदिरा गांधी ने बहुत सारा, इंदिरा गांधी और यहाँ पर ज्योति बासु थे कम्युनिस्ट के, काफी सारा इम्पैक्टफुल काम किया, जो भी जमीने था वहां का लोगों को भी भर भर के दिया, ठीक है। इवन अंडमान निकोबार आइलैंड में भी अगर कभी जाते हो आप, वहां पर आपको बहुत बांग्लादेशी लोग मिलेगा, ठीक है, माने बांग्लादेशी इन द सेंस उनका नेटिव बांग्लादेश का है, आज वो प्योरली इंडियंस है, ठीक है। इवन जहां वहां पर बंगाली नाम का जगह भी मिलेगा आप, अंडमान निकोबार आइलैंड उनको बसाया गया था, राधानगर ऐसे ऐसे नाम मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, लैंड रिफॉर्म। इवन पश्चिम बंगाल के अंदर भी जमीन का पट्टा दिया गया था जमींदारों से छीन के, अच्छा काम किया था, क्यों, क्योंकि उसके पहले ब्रिटिश ने बहुत खतरनाक काम करके रखा था, जमींदारों को और जमींदारी का कंट्रोल दे दिया था, और आम आदमी के पास कुछ नहीं था। ब्रिटिश समझ गया था कि ये देश को लूटना है तो देश के लोगों से ही देश को लुटवाना है। सर यही बात करने का कोशिश कर रहा है ये रिचर्ड मस्करे, समझ रहे सर। तो वही रिसोर्स एलोकेशंस,
to ensure efficiency, income redistributions to guarantee fairness, and macroeconomic stabilizations to ensure the price stability. आई होप की बात आप लोगों को समझ में आ रहा है. एलोकेशन फंक्शन कैसे काम करता है? रिसोर्स एलोकेशन रेफर्स टू द वे इन व्हिच साइलेंट कर रिसोर्स एलोकेशन रेफर्स टू द वे इन व्हिच द अवेलेबल रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एलोकेटेड अमंग द वेरियस यूजेस टू व्हिच दे माइट बी पुट. इट डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल एक्चुअली बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. कितना तरह का गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो सकता है, सर्विस हो या गुड्स. माने बेसिकली हमारे देश का सर्विस इंडस्ट्री, हमारे देश का एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, हमारे देश का इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. रिसोर्स एलोकेशन इज एन क्रिटिकल प्रॉब्लम बिकॉज ये कोई आसान बात नहीं है. इट्स रियली क्रिटिकल. ये जो जॉब का प्रॉब्लम है, अभी बीजेपी के बारे में कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है गारंटी, कि जॉब क्रिएट नहीं कर पाया. ठीक है, तो कांग्रेस जब था वो भी कितना जॉब क्रिएट किया था. कल अगर कांग्रेस वापस आ जाए बीजेपी भी एक ही मुद्दा लेके लड़ेगा. लेकिन बीजेपी के पास फिर भी दो चार मुद्दा है. ठीक है, कश्मीरी इश्यूज, हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनाना. ठीक है, दो चार मुद्दा और भी है उनके पास. मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को काफी और ज्यादा एनलार्ज किया. ठीक है, नहीं तो मोदी आगे हिंदू রিসোর্স অ্যালোকেশন ইজ এ ক্রিটিক্যাল প্রবলেম বিকজ রিসোর্স অফ সোসাইটি আর লিমিটেড ইন সাপ্লাই. Whereas if the wants of the members of the society are unlimited, है ना? In addition, any given resources can have many alternative uses. एक resources का बहुत सारा alternative use भी रहता है. So one of the most important function of an economic system is the optimal or efficient allocation of scarce resources so that available resources are put to their best use and no wastages are there. यानी कोई भी चीज का wastage ना हो और सारे resources का proper use हो जाए. रिसोर्सेस के अंदर बेसिकली क्या बात कर रहे हैं सर? गुड्स का, सर्विस का, जो देश के अंदर है. एग्जाम्पल के रूप में मैं उस दिन एक न्यूज आया था कि क्यूकम्बर, माने क्या बोलते हैं उसको, खीरा, क्या बोलते हो, सौसा, हम लोग बंगाली में सौसा बोलते हैं. आप लोग क्या बोलते हैं? क्यूकम्बर, सौसा बोलते या खीरा बोलते हैं? वो ठंड के टाइम पे नहीं खाते, क्या बोलते तुम लोग स्पेन में उसको? क्यूकम्बर जानते हो ना, स्पेन में क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हो सर? तो क्यूकम्बर इतना प्रोडक्शन हुआ है बंगाल कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में, मोस्ट प्रोबेबली मुर्शिदाबाद या मालदा के पास. रास्ते में ऐसे पूरा ढेर लगा हुआ है, एक टाका देके भी कोई लेके नहीं जाना चाहता. देखे चीज है. तो पॉइंट इज दैट कि एक तो इतना गर्मी में खीरा जैसा चीज का इतना हाई डिमांड रहता है ना, क्योंकि गर्मी के टाइम पे लोगों को नॉर्मल हार्ड फूड पसंद नहीं आता, वो खीरा खाता है ना. तो इतने गर्मी में इतना खीरा प्रोडक्शन हुआ है और वो खीरा खरीदने वाला नहीं है क्योंकि टू मच प्रोडक्शन हो गया. नॉर्मली 30 रुपीज 50 रुपीज केजी बिकता है, आराम से बिकता है, लेकिन उसको 1% केजी भी दाम नहीं मिल रहा है. सर वेयर इज द प्रॉब्लम? फिर सर प्रॉब्लम है कि ये जो एसेट बने, ये तो एक एसेट है ना, वेजिटेबल एसेट है. अब इसका किसानों का एक दाम मिलता है, वो दाम इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज ओवर सप्लाइड हो गया है और प्रोडक्शन हाई हो गया है, सप्लाई ज्यादा हो गया है. कहां पर? लोकल एरिया में. मे बी मालदा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हुआ है. अब मालदा डिस्ट्रिक्ट से वो प्रोडक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजो ना, या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी तुमको लग रहा है कि वहां पर भी डिमांड नहीं है तो दूसरे स्टेट में भेजो ना. साउथ में देखो, वहां पर तो बैंगलोर, कर्नाटका में तो ड्रॉट डिक्लेयर कर दिया. बैंगलोर में ड्रॉट डिक्लेयर कर दिया, 20,000 करोड़ का चेक मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ड्रॉट माने रिलीफ फंड. ग्राउंड वाटर लेवल सूख गया है बैंगलोर में, पानी नहीं है. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अपना ऑफिस चला रहे एक शिफ्ट में, तो फिर वहां पर पानी नहीं है, तो फिर क्यूकम्बर भी नहीं है. तो अगर तुम वहां पर भेज नहीं सकते, कौन भेजेगा? किसान कर सकता है क्या? तो सरकार ये काम नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर? कम से कम इको सिस्टम तो डेवलप करो. इको सिस्टम तो एक ट्रक में भर के तुम भेजोगे बर्फ वगैरह देके, थोड़ा कूलिंग सिस्टम के साथ, दो दिन में पहुंच जाएगा, 30 आवर्स टू 40 आवर्स में पहुंच जाएगा. वहां का लोकल मार्केट में भी तुमको कुछ तो दाम मिलेगा रे बाबा.
ऐसे थोड़ी है कि पूरे भारत में क्यूकम्बर भरा पड़ा है, राजस्थान में कहाँ इतना प्रोडक्शन होता है, मध्य प्रदेश में सूखा एरिया है कहाँ करेगा, बंगाल के पास पानी है भर भर के प्रोडक्शन करता है, ऊपर वाला का दिया हुआ है हमारे सोनार बांग्ला, दैट इज द रीजन रविदास टैगोर ने गाना लिखा था अमर सोनार बांग्ला अमित तोमाई भारतवर्ष, ये बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है। सोनार बांग्ला क्यों इतना प्रोडक्शन जो होता है खेती, ठीक है, सोना नहीं गोल्ड में, वो गोल्ड नहीं, हाँ गेहूं चावल सब चीज को लेके बेसिकली इतना खाने का भरमार है, खा खा के तुम खत्म नहीं कर सकते, गोम चावल सब सोनाली धान भी बोलता है, ठीक है, इसीलिए सोनार बांग्ला ये सोचता है कि यहाँ बंगाल में सोना मिलता है। बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है, सुना है कभी, हाँ हमारे सोनार बांग्ला अभी तो माए भालोबासी, जब लोग बांग्लादेशी लोग खेलने जाता है ये गाना चलता है, सुना, हाँ कुछ लाइन उसने वहां पर टेक किया है। अच्छा समझ रहे सर हम लोग, तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज एंड नो वेस्टेज इन द इकोनॉमी, सो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंडिकेट्स द सिचुएशन इन व्हिच ऑल रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सर्व ईच पर्सन इन द बेस्ट वे पॉसिबल मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी, वेस्टेज नहीं करना है, इनएफिशिएंसी नहीं होना है, एक क्यूकम्बर से एग्जाम्पल दिया, बाकी कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्यूकम्बर भी इंपॉर्टेंट है बट बहुत सारा चीजों से एग्जाम्पल दिया जा सकता है, समझ में आ रहा है सर। वैसे मोदी जी ने रिसेंटली एक जगह में बार बार बोल रहे हैं सर कि देश के बाहर तुम लोग जो लोग बड़े बड़े शादी करते हैं बिग फैट वेडिंग करोड़ों का शादी करते हैं कि आप इंडिया के बाहर शादी करने मत जाना, है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग इंडिया में ही करना ताकि देश का पैसा देश में ही रह जाए, और जहां पर भी है जैसे उत्तराखंड में शादी कर सकते हो, कश्मीर में शादी कर सकते हो, है ना। एक सेकेंड सर, हाँ हाँ गॉम माने गेहूं, ठीक है समझ में आ रहा है, ये ऑनलाइन में मैंने पूछा नहीं, सबको समझ में आ रहा है, साहिल स्नेहाशी शोमू शुभंकर तुषार, हाँ सर ठीक है। प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स एलोकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्केट सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइस मैकेनिज्म एज डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर सोवरेनिटी एंड प्रोड्यूसर प्रॉफिट मोटिव्स, ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर सोवरेनिटी है, सोवरेन माने फ्रीडम, कंज्यूमर को जो पसंद है खरीदेगा, प्रोड्यूसर को जो प्रॉफिट जिसको बेच के प्रॉफिट होगा वो बेचेगा, द स्टेट्स एलोकेशन ऑन द अदर हैंड इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंटल बजटिंग, इन द रियल वर्ल्ड रिसोर्स एलोकेशन डिटरमाइंड बाय बोथ मार्केट एंड द गवर्नमेंट, वास्तव में रियल वर्ल्ड में बोल रहे हैं कि ये जो कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्स एलोकेशन होगा ये मार्केट भी कर सकता है और गवर्नमेंट भी कर सकता है, मार्केट माने मार्केट तो ऑटोमेटिक रेडी होता है, मार्केट अलग से क्या बनाओगे, कहाँ का लोग क्या पसंद करेगा उस चीज का मार्केट वहां का लोग ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है, हाँ या ना, ईस्ट इंडिया का लोग चावल खाता है कि रोटी खाता है, ज्यादा ज्यादा चावल, और नॉर्थ इंडिया का लोग चावल ज्यादा खाता है कि रोटी ज्यादा खाता है, रोटी, तो इसके लिए तुम जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक चॉइस है, मार्केट बन जाता है, तो ईस्ट इंडिया में चावल का मार्केट बनेगा वेस्ट इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में आटा मैदा का मार्केट बनेगा, ठीक है, इंडिया का ईस्ट कोस्ट पूरा चावल, साउथ इंडिया का भी पूरा ईस्ट कोस्ट चावल, वो लोग डायरेक्ट राइस कम खाता है, राइस रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं, जैसे बंगाल बिहार आसाम डायरेक्ट राइस लेता है, हाँ यूपी में मिक्स्ड है, हाँ रोटी चावल मिक्स करके खाता है, ऐसे शुद्ध आदम चैनल भात खाई सी, अच्छा जो भी हो समझ में आ रहा है सर, तो मार्केट तो ऑटोमेटिक बनेगा और गवर्नमेंट भी उसमें सपोर्ट करेगा, मार्केट इकोनॉमी सब्जेक्ट टू सीरियस मैल फंक्शनिंग इन सेवरल बेसिक रेस्पेक्ट्स, मैल फंक्शन मैंने समझते हो ना प्रॉब्लम, ठीक है, while private goods will be sufficiently provided by the market, public goods and merit goods will not be produced in sufficient quantities by the market, merit goods माने
जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो सही गुड्स है. मिसिंग मार्केट्स और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट्स ऑकर इन वैरायटी ऑफ सिचुएशंस. व्हाई डू मार्केट फेल? टू गिव द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एज टू हाउ द रिसोर्स कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज एंड व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. इन अदर वर्ड्स, व्हाई डू मार्केट जनरेटेड मिस एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज. कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा है. क्वेश्चन ये है कि मार्केट फेलियर क्यों करता है. जैसे क्यूकंबर इतना ज्यादा प्रोडक्शन क्यों कर लिया, क्यूकंबर की जगह कुछ और करता, शायद ऐसा कारण हो सकता है कि मानो लास्ट ईयर चार गांव के चार लोगों ने क्यूकंबर बनाया था, उनको अच्छा प्रॉफिट मिला था कि सौसा बेच के ही पैसा बनाया, घर बना लिया. पहले घर नहीं था, घर बन गया सिर्फ खीरा बेच के, क्यूकंबर बेच के. इस बार 4% की जगह 8% को लगा के भी हम भी खीरा बेचेंगे और हम भी पैसा वाला बनेंगे. ठीक है, तो 4 की जगह 8 लोग बनाया. फिर या फिर हो सकते कि और 4 लोग बनाए, ऐसे करके 12-16-20 लोग, 20 फार्मर्स होगा जो क्यूकंबर प्रोडक्शन कर लिया. लेकिन ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं है कि दूसरा चीज भी हो सकता है, थोड़ा रिसर्च तो करना पड़ेगा ना. जैसे रिसेंटली एक चीज चला है बहुत सारा, विराट कोहली बहुत खाता है बोल के एक जगह में इंटरव्यू में, बहुत सारा जगह में उसने बोला, तो एक फ्रूट आता है ड्रैगन फ्रूट बोल के. ठीक है, लाल कलर का होता है और थोड़ा सा डिफरेंट बोमा टाइप का देखने में होता है, जैसे कि कोई डायनामाइट होगा. ठीक है, ड्रैगन फ्रूट. ठीक है, तो ये ड्रैगन फ्रूट विराट कोहली पसंद करता है. पढ़ाई करना, मैं क्वेश्चन देता हूँ, 5-10 मिनट रुक जा, पढ़ लिया. ड्रैगन फ्रूट विराट कोहली पसंद करता है, खाता है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट इंडिया में प्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होता है. लेकिन क्या इंडिया का सॉयल ड्रैगन फ्रूट बना सकता है? द आंसर इज यस, आराम से बना सकता है, बट ये यहाँ का नेटिव नहीं है. तो ड्रैगन फ्रूट का खेती करना चालू किया. इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ड्रैगन फ्रूट खेती करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वाटर का जरूरत नहीं पड़ता है. लेस वाटर में भी ड्रैगन फ्रूट बन सकता है और एग्रीकल्चरली बहुत प्रॉफिटेबल है. 1 kg ड्रैगन फ्रूट 700-800 के जी में बिका है मार्केट में, अभी भी बिकता है. ठीक है, हाँ, मिलता नहीं है. ठीक है, तो काफी सारे लोगों ने प्रोडक्शन चालू किया तो थोड़ा दाम गिरा है. इवन दार्जिलिंग में, सिक्किम में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड में वो क्यूई मिल रहा है सर, प्रोडक्शन हो रहा है क्यूई का. देखा तुम लोग, मतलब पहले से होता था कि अभी हो रहा है? तब एक समझ रहे हो, मैंने एक्चुअली क्योंकि थोड़ा ठंडा एरिया में क्यूवी का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया. क्यूवी एक्चुअली न्यूजीलैंड का प्रोडक्ट है, बट इंडिया में जितना क्यूवी मिलता है मार्केट में वो सब चाइना का है. हम लोग जितना क्यूवी लेते हैं सब चाइना से लेते हैं, न्यूजीलैंड का क्यूवी नहीं आता इधर. ठीक है, बहुत कम आता है, ज्यादातर चाइना का आता है क्योंकि सस्ता पड़ता है. ठीक है, हाँ, वो ऊपर में थोड़ा काटा काटा है, खट्टा मीठा होता है, बेसिकली थोड़ा सा सावर होता है, थोड़ा सा स्वीटनेस के साथ, और अंदर बहुत पतला पतला ब्लैक कलर का वो, हाँ, अंदर से बहुत सुंदर है. ठीक है, देखने में ऊपर से थोड़ा सा, हाँ, लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छा है. सपोर्ट ऑफ जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो सॉवेदे को क्या बोलते हैं, आई डोंट. मैं इंग्लिश मीडियम वाला नहीं हूँ ना, इसलिए मेरे को भी पता नहीं होता. समझ लो सर, अब पॉइंट ये कि अब जो फ्रूट पहले नहीं होता था वो फ्रूट सभी बन रहे हैं. पहले जो लोग थोड़ा बहुत भी खेती करता था हाई प्रॉफिट करता था, अभी धीरे धीरे काफी सारा लोग हो गया, तो प्रॉफिट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. वही चीज बोल रहे हैं कि क्यों मार्केट फेलियर होता है, क्यों कहीं पर ज्यादा प्रोडक्शन है, क्यों कहीं पर कम प्रोडक्शन है, उसी चीज को यहाँ पर बोलते हैं मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. एक जगह में सारा चीज बनाना चालू कर दोगे तो एलोकेशन मिस एलोकेशन हो जाएगा ना, तो थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट करो. जैसे अभी अगर मैं आपको डेवलपमेंट रिलेटेड बात करूं कि सारा सिटी का डेवलपमेंट एक ही जगह में हो रहा है. अगर वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट देखो कि सारा डेवलपमेंट कोलकाता में, कोलकाता के थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे जाओ डेवलपमेंट तुमको दिखेगा नहीं, है ना. तो ये मिस एलोकेशन है. हर शहर में डेवलपमेंट होना चाहिए. अगर तुम वेस्ट बंगाल के अलावा मैं दूसरा स्टेट कर लेता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल अगर तुम महाराष्ट्र जाते हो, महाराष्ट्र में तुमको 4-4 बड़ा सिटी मिलेगा. ऐसे महाराष्ट्र साइज में भी बड़ा है, वहां पर तुमको मुंबई भी मिलेगा, पुणे मिलेगा, नागपुर मिलेगा, और भी कुछ 2-4 सिटीज है जो कंपेरेटिवली बेहतर है. इवन तुम साउथ इंडिया में जाओ वहां पर तुमको छोटा छोटा वेल ऑर्गेनाइज सिटी कंपेरेटिवली ज्यादा मिलता है. और ऐसा नहीं है कि सारा डेवलपमेंट तमिलनाडु में हो रहा है, नहीं, आसपास के सिटीज में भी डेवलपमेंट हो रहा है. यहाँ पर जैसे कि डेवलपमेंट करना है तो बिहार में तो पटना में ही कर रहे हैं, आसपास को भूलो, कोलकाता में ही करो, बाकी सब छोड़ो. समझ में आ रहा है सर, ये मिस एलोकेशन है.
Allocative efficiency is concerned with utilizing limited resources to produce goods and service that would maximize value of the society. Hey, padhasona korna. Allocative efficiency achieves the largest possible output of goods and service from existing stock of resources and technology. Kehta hai ki efficient allocations available resources in an economy assume to take place only when the markets are perfectly competitive and economic agents make rational choices. Aap logo main economics mein जो लोग मार्केट का क्लास किए उनको पता है मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, यानी कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है उसे कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन बहुत हाई होता है, डोंट वरी, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मैं वहां पर बताऊंगा। तो ये बोलते परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एजेंट्स मेक रैशनल चॉइस, रैशनल चॉइस माने लॉजिकल चॉइस, जिसको जो ठीक लगेगा करेगा, ऑटोमेटिक सेट है, जबरदस्ती का मैटर नहीं है। इन रियलिटी मार्केट्स आर नेवर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, वास्तव में ऐसा इतना भी प्योरली नहीं होता है, ठीक है। मार्केट फेलियर्स व्हिच हिंडर एफिशिएंट एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज ऑकर मेनली ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस: इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर, प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर, ठीक है। अगर आज अंबानी को छोड़ के अगर और भी चार लोगों के पास ये 5G 2G का लेवल प्लेइंग फील्ड होता ना, तो अंबानी शायद प्राइस और कम कर देता। ऐसे अंबानी आने के बाद प्राइस कम हुआ है ये मैं मानता हूँ, लेकिन मान के चल दो, चलो कि अगर किसी फील्ड में तुमको एक के जगह, दो के जगह, तीन के जगह अगर 30 प्लेयर मिलता है मार्केट में, एक ही चीज बेचने के लिए तीन लोगों की जगह 30 लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली चीजों का दाम कम होगा कि नहीं होगा? आज हम लोग फोन का रिचार्ज करते हैं तो तीन ही कंपनी है ना मार्केट में, या तो जियो करोगे, या तो एयरटेल करोगे, या तो वोडाफोन आइडिया करोगे, है ना, भी करोगे। वोडाफोन तो बहुत ही खराब हो गया, ठीक है, उसमें अभी सबको वहां से शिफ्ट होकर जियो में चला गया या तो एयरटेल में चला गया, बचा तो बस दो ही देख रहा है ना, एयरटेल और एयरटेल एंड जियो, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर मार्केट में दो के जगह 20 होता तो शायद पब्लिक के लिए एफिशिएंसी होता, लेकिन तो फिर से सरकार ने क्यों नहीं दिया? बिकॉज ऑफ बहुत सारा मिसमैनेजमेंट के कारण। इससे पहले तो बहुत सारा कंपनी था, 2010-12 टाइम के बहुत कंपनीज था, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, हाँ, फेस्पाइस, बहुत सारा टॉपिक कंपनीज हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करके दो जन के बीच में, दो तीन लोगों के बीच में ही रखा है। तो ये गवर्नमेंट का सिस्टम टाइम टू टाइम सिचुएशंस है। तो जो भी है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली पावर इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लीडिंग टू अंडर प्रोटेक्शन एंड हायर प्राइसेस देन वुड एग्जिस्ट अंडर कंडीशंस कॉम्पिटिशन, मार्केट में फेल टू कंट्रोल अब्यूसेस मोनोपोली पावर। ओवरऑल मार्केट अगर एक जन के पास पूरा पावर आ जाए तो वो मार्केट के लिए फेलियर है, क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, किसी हाँ मैगी तो वो मार्केट फेलियर नहीं है। ओहो भगवान, पढ़ाई नहीं सुन रहे, पढ़ाई नहीं सुन रहे। नेस्ले मैगी बेचता है, ठीक है, नेस्ले का नूडल्स ही तो है। तुम सोचो क्या इंडियन कोई ब्रांड नूडल्स नहीं बेच सकता? तो ऐसे एक क्यों, हजारों लोग नूडल्स बेच सकता है, तो पूरा का पूरा पैसा वो यूरोपियन कंपनीज क्यों लेके जाता है? दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। एक नूडल्स भी नहीं बना सकते हम लोग। ऐसे ITC ने ट्राई किया है ईएफपी से, पर उतना हिट नहीं किया। टॉपरामैन भी ट्राई किया है, थोड़ा बहुत चला है, अभी भी चलता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज कि अगर नूडल्स ऐसे चीज, अगर इंडियंस थोड़ा सा रिसर्च, हम लोग क्या है ना, रिसर्च में टाइम नहीं देते क्या? तुम एक मसाला बना के एक नूडल्स का पैकेटिंग नहीं कर सकते? नॉर्थ ईस्ट में ऐसे नूडल्स का कल्चर है, तो किसी ना किसी नॉर्थ ईस्टर्न बच्चों से मिलो, सिक्किम या अरुणाचल साइड में, ठीक है, जिनको तिब्बती फूड्स का बनाना आता है, दार्जिलिंग साइड में, उनके घर घर में नूडल्स बनता है, तो उनसे नूडल्स सीख के तुम नूडल्स बनाने का फैक्ट्री भी बना सकते हो, और मसाला का भी तुम अपना रिसर्च एंड R&D करके बना सकते हो, इट्स पॉसिबल। लेकिन कोई करेगा ही नहीं, हम तो मैगी खाएंगे, खाओ मैगी, क्या दिक्कत है? बट प्रॉब्लम इज दैट कि दिस इज, ये तो कंज्यूमर चॉइस, बट मैं बिजनेस एंगल से बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम तो इकोनॉमिक एंगल से हो रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर एंगल से मेन बात नहीं है। कि अगर सारा के सारे चीज एक पर्टिकुलर कंपनी के पास आएगा तो मोनोपोली, तो मार्केट को बिगाड़ रहा है, सारा पैसा तो नेस्ले लेके जा रहा है। अगर नेस्ले जैसा प्रोडक्ट और भी 20 कंपनी मार्केट में बनाता तो वो थोड़ा सा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता कॉम्पिटेटिवली, और भी कुछ कंपनीज बनता, प्रोडक्ट का प्राइस भी थोड़ा कॉम्पिटेटिव रहता। नहीं जरूरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी।
ऐसा नहीं है, किसी का भी किस्मत कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। पहले हीरो होंडा का ही बाइक बिकता था, अभी तो सब सारा आईचर मोटर का बिकता है। रॉयल एनफील्ड का मार्केट तो पहले नहीं था, सिर्फ जो लोग पुलिस में नौकरी करते थे वही रॉयल एनफील्ड चलाता था। हाँ, एक पूरा पाड़ा में एक बुलेट होता था। हाँ, भटभट भटभट आवाज होता था, अभी तो सबके पास है। तो एक जमाने में हीरो का मार्केट था, बाद में बजाज का मार्केट हुआ, फिर रॉयल एनफील्ड का मार्केट है, उसको कितना इंतजार करना पड़ा। ऐसा नहीं है, क्या बात करते हो। एक टाइम पे बिस्किट्स माने ब्रिटानिया होता था, आज के डेट में बिस्किट्स माने ब्रिटानिया ना, हम लोग के टाइम बिस्किट्स माने ब्रिटानिया, टिंग टिंग टिंग। अभी ऐसा है क्या? फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ऐसा नहीं है। इनकम्प्लीट मार्केट्स, मार्केट में फेल टू प्रोड्यूस द राइट क्वांटिटी मेरिट गुड सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जो प्रॉब्लम है मेरिट गुड्स, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज रैक ऑफ एलोकेशंस, प्रॉपर एलोकेशंस नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम भी नहीं है, इच्छा होना चाहिए। पहले से बेहतर हुआ है, एक अगर आप 20 साल पहले के इंडिया का हेल्थ सेगमेंट देखो और 20 साल बाद देखो तो डेवलप हुआ है। इवन कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ लिया ना सर, इससे पता चलता है कि हम लोगों ने डेवलपमेंट तो किया। ये सुनो, लेकिन अगर यही चीज अगर 20 ईयर्स बैक होता तो शायद इंडिया का बहुत सारा लोग और मरता। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट आर ओवर यूज एंड एग्जॉस्टेड इन इंडिविजुअल परस्यूट और सेल्फ इंटरेस्ट। क्या हो रहा है? ये गर्मी, उफ गर्मी का गाना मत गाओ। ठीक है, ये गर्मी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण है। ऐसे देखो, जब सूरज देवता को उगना होगा, जब जोर से जलना होगा वो जलेगा, बट कम से कम हम लोग एनवायरमेंट को थोड़ा ठंडा रखने के लिए पेड़ पौधा लगा के, ठीक है, एनवायरमेंटल को तो ठीक रख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? जिसके पास जो भी है मारो काटो। ये हिंदू संस्कृति के बारे में बोलते हैं ना, हिंदू संस्कृति का जो एक्चुअल कल्चर है, आज का जो हिंदू है वो हिंदू नहीं है। मुस्लिम को कुछ बोलने से पहले हिंदू को पहले ये सोचना चाहिए क्या तुम परफेक्ट हिंदू हो? दैट इज द बिग क्वेश्चन। हिंदू संस्कृति हमेशा प्रिजर्वेंस से बात किया है, मैंने हर चीज को प्रिजर्व करना है, मारने पे नहीं, जिंदा रखने पे बिलीव करता है। और हम लोग बात बात में ये काटो वो काटो ये काटो वो काटो, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इससे चीजें और खत्म होगा। आजकल तो काटने के अलावा कुछ होता नहीं है। मैं किसी का खान पान पे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस एनी वन फूड हैबिट, बट कहने का मतलब है कि फूड हैबिट्स प्रिजर्व वाला होना चाहिए। सिर्फ मुंह में अच्छा लग रहा है बोल के बस खाते जाओ, इट्स नॉट द थिंग। द थिंग इज तुम कर क्या रहे हो। तुम मैंगो खाते हो क्या? मैंगो का पेड़ लगाते हो? ये सिर्फ तुमको नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल सवाल सोसाइटी के लिए है, मैं भी इसका पार्ट हूँ। गाय का दूध पी के तगड़ा बनते हो क्या? गाय पालते हो? गाय का सेवा करते हो? बिग क्वेश्चन। तो वही चीज बता रहे हैं सर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एनवायरमेंट आर ओवर यूज एंड एग्जॉस्टेड इंडिविजुअल परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में सोचते सोचते सब खत्म कर रहे हैं। बैंगलोर जल रहा है देख रहे हो आप, ठीक है, कोलकाता का भी, सॉल्ट लेक का ऑलरेडी प्रॉब्लम चालू हो गया है, ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम में आ गया, रविंद्र सरोवर का ग्राउंड वाटर गिर गया है। ठीक है, साउथ कोलकाता का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वर है मीठा पानी का। अगर और भी इस तरह का, अभी तो गर्मी का शुरुआत है, ठीक है, अगर इस तरह से और 3 महीना चला ड्रॉट गारंटी है। और ड्रॉट माने सोचो सरकार के अनुदान पे चलेगा, बस खाना खाओगे, कैसे जियोगे पता नहीं। दिस इज नॉट द वे टू लीड अवर लाइफ। गंगा जी का क्या हालत बना के रखा है? गंगा जी माने गैंजेस, जो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसमें आधा इंडिया बसता है, आधा इंडिया तो गैंजेस में बसता है। तो यही बोलना चाहता है, रिसोर्सेस से ही देश बनता है, पर रिसोर्स को खत्म करके देखो, थोड़ा बहुत तो खत्म होगा यूज करने पे, बट हमें बनाना भी पड़ेगा, वो चीज कहना चाहता है। कोई एनवायरमेंटल का क्लास नहीं बोल रहा है, इकोनॉमिक्स है, एक्सटर्नैलिटीज भी जा रहा है। सो इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विस अफेक्ट थर्ड पार्टीज, दैट इज पॉल्यूशन। दिल्ली का हालत देखो, दिल्ली का हालत देखो, इतना पॉल्यूशन है कि एक नॉर्मल आदमी का भी नाक से खून निकलता है, सांस नहीं ले पाते दिल्ली।
कैसा दिल्ली है यार, दिल ही नहीं है, सवाल उठता है। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन बिकॉज इट मे नॉट बी द इंटरेस्ट ऑफ वन पार्टी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्टी। इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये सारा प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम का जड़ है। ये सब प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर पाए तो जाके हम लोग ये मार्केट का मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको बोल दिया कि कैसे क्या करना चाहिए। प्लीज एक बार गो थ्रू करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मार्केट फेलियर से कैसे गवर्नमेंट बचाता है उसके बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट के पास क्या ताकत है कि वो मार्केट फेलियरिटी को कैसे रोक सकता है। समझ में आया सर? इसी पब्लिक फाइनेंस का ही कंटिन्यूएशन टॉपिक है कि हाउ गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द मार्केट फेलियर्स। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे हो सकता है और वो मार्केट फेलियर को करेक्ट कैसे कर सकता है। ठीक है, दिस इज अ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। इंजीनियर क्या करता है? तोड़ता भी है, सॉरी बनाता भी है और बचाता भी है। कोई प्रोजेक्ट करना है, इंजीनियर क्या करेगा? उसमें बिल्डिंग को बनाएगा। कोई बिल्डिंग गिर रहा है, उसको क्या करता है? रोक, गिरने से बचाता है। तो इसको बोलते हैं ये क्या बिल्डिंग बनाने का या बिल्डिंग बचाने का बात हो रहा है, ये पूरा इकोनॉमी को बचाने का बात हो रहा है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। समझ रहे सर? आरबीआई का गवर्नर, सेबी का चीफ, ठीक है, यही सब काम करता रहता है। और जो ये बात समझता है वो स्टॉक मार्केट समझ सकता है, इकोनॉमिक पॉलिसी समझ सकता है, कंट्री का ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन समझ सकता है, अपना बिजनेस डेवलपमेंट समझ सकता है। छोटे मोटे सोच से बाहर निकलो, बहुत कुछ जानना पड़ेगा और जानोगे तो ही एग्जाम में लिख पाओगे, अदरवाइज सब सर के ऊपर से जाएगा। इतना हल्का से मत लो सर, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस का फर्स्ट चैप्टर थॉरोली गो थ्रू करके आना नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थॉरोली अंडरस्टैंडिंग एंड समझने, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ थॉरो गो थ्रू, फिर चैप्टर का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मत आ जाना, थॉरो पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, आज इतना ही रखते हैं फिर। साहिल, स्नेहाशीष, सोमू, शुभंकर, तुषार, समझ में आया सर आप सबको? यस सर, यस। ठीक है सर, फिर इतना ही है। बाय बाय सर, बाय सर।